आइडियली तो नॉर्मल डिलीवरी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है किसी भी सूरत में, अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है या बच्चा अपने वज़न में 3.5 किलोग्राम से ऊपर नहीं है तो हम उसे नॉर्मल डिलीवर आराम से करा सकते हैं। ये जो सवाल है ये इतना अहम है कि इस पे अक्सर ख़वातीन जो है ना डॉक्टर के पास जाने से इसलिए घबराती हैं, जिनको पहले प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ रही है तो उन्हें इतना डरा दिया जाता है कि चूँकि आपको पहले शुगर थी और बच्चा डिलीवर होने में प्रॉब्लम हुई थी और इसलिए अब आपका सिज़ेरियन सेक्शन होगा। तो ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी नहीं है बात। अगर कोई औरत जिसको शुरू में ये पता चल जाए कि उसको शुगर है और हम अगर उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें और उसको हम अल्ट्रासाउंड और फीटल सर्वेलेंस के बहुत सारे टेस्ट होते उससे मॉनिटर करें तो ये बहुत मुमकिन चांस है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आइडियली तो नॉर्मल डिलीवरी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है किसी भी सूरत में, अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है या बच्चा अपने वज़न में 3.5 किलोग्राम से ऊपर नहीं है तो हम उसे नॉर्मल डिलीवर आराम से करा सकते हैं। सिज़ेरियन सेक्शन का चांस ज़रूर होता है लेकिन वो बच्चे के साइज़ पे पहले ही हमें पता चल जाता है कि इसका नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लिहाजा फिर हम उसको प्लान्ड सिज़ेरियन करते हैं। 30% चांस सिज़ेरियन के होते हैं, 70% चांस नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के होते हैं।